मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर के साथ। शुक्रवार और शनिवार को जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में बिजली की चमक के साथ चल सकती है तेज हवाएं। दो दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलना संभव। उत्तर प्रदेश में दो दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की है संभावना। दो दिन पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली की चमक के साथ चल सकती है तेज हवाएं। दो दिन ओडिशा, बिहार और झारखंड में भी बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का है अनुमान। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दो दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के चलने के हैं आसार। तो दो दिन राजस्थान और विदर्भ में भी चमक सकती है बिजली और चल सकती है तेज हवाएं। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में भी दो दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अंदेशा। कल तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का है अनुमान। तो दो दिन उत्तर प्रदेश के छिटपुट हिस्सों में तेज वर्षा संभव। भाई बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। उत्तर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश का अनुमान है। पूर्वी भारत में बरसात होगी। इसके अलावा पश्चिमी राज्यों में भी बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण भारत में भी बरसात होने की संभावना है। दो दिन कैसा रहेगा बारिश का हाल, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार और शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दो दिन अधिकतर हिस्सों में बरसात का अनुमान है। इसके अलावा दो दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ स्थानों पर वर्षा के आसार है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो दिन कुछ इलाकों में बारिश के आसार है। साथ ही दो दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में दो दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में ज्यादातर स्थानों पर वर्षा हो सकती है। दो दिन गांगे पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में पानी बरसेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में दो दिन ज्यादातर हिस्सों में बरसात होगी। दूसरी ओर दो दिन अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर जगह वर्षा का अनुमान है। असम और मेघालय में दो दिन ज्यादातर स्थानों पर बादल बरसेंगे। दो दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अधिकतर इलाकों में बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो दो दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह बरसात होगी। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में दो दिन कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पश्चिम भारत में दो दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के कुछ इलाकों में बरसात होगी। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में दो दिन अधिकतर हिस्सों में वर्षा संभव है। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। दो दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के अधिकतर इलाकों में पानी बरसेगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में दो दिन कुछ जगह वर्षा का अनुमान है। दो दिन तटीय उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में दो दिन कई स्थानों पर बरसात के आसार है। दो दिन अंडमान निकोबार में ज्यादातर जगह बारिश का अनुमान है। ये थी मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। और बड़ा ये सीधा रुक कर लेते हैं मौसम वैज्ञानिक
का और हमारे साथ इस वक्त वो मौजूद हैं। और आइए सबसे पहले उनसे जानते हैं कि कैसा रहने वाला है देश भर में बारिश का हाल। तो और सबसे पहले आपका हम स्वागत करेंगे मौसम खबर में। और रणजीत सिंह जी, आप सब ये बताइए कि किन इलाकों में भारी बारिश की संभावना लगा रहा है मौसम विभाग? इस समय कोंकण गोवा के कई स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा और एक दो स्थानों पर एक्सट्रीमली हैवी रेन यानी 200 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा की संभावना है जी। और तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक के भी कुछ स्थानों पर भारी से भारी वर्षा की संभावना है। इसके अलावा उत्तर पूर्व भारत, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल का पर्वतीय क्षेत्र, गुजरात, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु तथा केरल में भी एक दो स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है जी। भारी बरसात के बाद अब डॉक्टर रंजीत सिंह जी आपसे जानना चाहेंगे कि कहां कहां तेज हवाओं के चलने के आसार हैं, क्या जानकारी दे रहा है IMD इस विषय में? एक्चुअली इस समय गुजरात तथा महाराष्ट्र के तटीय इलाके, कर्नाटक और केरल के तटीय क्षेत्र एवं लक्षद्वीप के आसपास का जो समुद्री एरिया है वहाँ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलेंगी जी। और उसमें गस्टिंग जो है 60 किलोमीटर पर आवर का भी हो सकता है। इसलिए मछुआरों को सलाह दी गई है कि इन इलाकों में मछली पकड़ने न जाएं। और वहीं अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि अगले दो दिन तापमान कैसा रहने वाला है, क्या जानकारी देंगे इसके बारे में? इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा में अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक सामान्य से ऊपर चल रहा है जी। और देश में जो अधिकतम तापमान रिपोर्ट हुआ है वो मध्य प्रदेश में खजुराहो में रिपोर्ट हुआ है 41.2 डिग्री सेंटीग्रेड जी। तो अभी दो दिनों के बाद इन इलाकों में मानसून की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, और जिससे काफी मात्रा में बादल भी आएंगे, वर्षा भी होगी। तो इन इलाकों में भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी तापमान में गिरावट आ जाएगी जी। और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में तापमान नीचे आ चुके हैं, सामान्य से नीचे आ गए हैं। यहाँ पर अगले दो तीन दिनों तक 2-3 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी होगी और पुनः जब इधर वर्षा स्टार्ट होगी 18 के बाद तो फिर पुनः तापमान इन इलाकों में भी गिरेगा जी। तो रंजीत सिंह जी आप हमारे साथ जुड़े और मौसम संबंधी इतनी विशेष जानकारियां आपने दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बरसात पर। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कुछ जगह बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बादल बरसे। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अधिकतर जगह वर्षा हुई, तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह पानी बरसा। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में पानी बरसा। असम और मेघालय के अधिकतर स्थानों पर बारिश हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के भी कई हिस्सों में वर्षा हुई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अधिकतर स्थानों पर बादल बरसे, तो वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में भी कई स्थानों पर बारिश हुई। ओडिशा के ज्यादातर इलाकों सहित बिहार में भी कहीं कहीं और झारखंड में कुछ जगह वर्षा हुई। मध्य भारत में पूर्वी मध्य प्रदेश के गिने चुने हिस्सों में और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में वर्षा हुई है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर बारिश हुई। पूर्वी राजस्थान में कई जगह और पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह बादल बरसे। गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में इक्का दुक्का हिस्सों में ही वर्षा हुई है। इसके साथ ही कोंकण, गोवा, विदर्भ और मराठवाड़ा के ज्यादातर स्थानों पर बारिश हुई। दक्षिण भारत का रुख करते हैं, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतर हिस्सों में पानी बरसा। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाकों में बारिश हुई। केरल के अधिकतर हिस्सों में और लक्षद्वीप में कुछ जगह वर्षा हुई। अंडमान निकोबार के भी ज्यादातर स्थानों पर बारिश हुई। और अब बात करते हैं तापमान की। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के बारे में। पूर्वी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में तापमान 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया।
पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। बिहार के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री ऊपर चढ़ा है। पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा मापा गया। इसके विपरीत पंजाब के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे आया है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भी तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे रिकॉर्ड किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खजुराहो में 41.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब आइए जायजा ले लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति का। सौराष्ट्र कच्छ में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। लक्षद्वीप के अधिकतर हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें लोबिया की खेती। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अब तकदीरें बदलेगी। रुकी भी न हौसले कल के अविश्वास से अब तय किया है हमने। बुलंद हौसलों की बिक्की के संग कठिनाइयों से न डरे अब ये मन, दिख रहा है नया भरोसा। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं खेती किसानी की। बिहार और झारखंड में इस मौसम में किसानों को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से किसान फसलों की बढ़िया पैदावार और बचाव के लिए कैसे करें कृषि कार्य, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में धान के खेत से खरपतवार निकालने, धान की रोपाई किसान कर सकते हैं। किसान आम की तुड़ाई करें, यही फूलगोभी की बुआई करते रहें, फूलगोभी के खेत में निराई करें, इसी तरह शिमला मिर्च की बुआई कर लें, शिमला मिर्च के खेत में भी निराई करते रहें, वहां प्याज की रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैंगन और लाल मिर्च की बुआई करें, साथ ही भिंडी की बुआई भी करते रहें। वहीं मूंगफली की बुआई कर लें, मूंगफली के खेत से जल निकासी का प्रबंध जरूर करें। अभी सोयाबीन की बुआई के लिए उपयुक्त समय है, किसान मूंग की कटाई कर लें। इस समय अरहर की बुआई भी किसान कर सकते हैं। झारखंड में धान के खेत में निराई करें, किसान धान की बुआई भी कर सकते हैं, धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। इसके साथ ही धान के खेत में सिंचाई भी करते रहें, किसान अरहर के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। साथ ही किसान यहां मक्के की बुआई करते रहें, किसान अभी मूली की बुआई भी कर सकते हैं। साथ ही आलू की नर्सरी किसान इस वक्त तैयार कर सकते हैं। इस समय बैंगन की फसल में कीट लगने की संभावना है, ऐसे में बैंगन में कृषि विशेषज्ञ की सलाह से ही कीटनाशक का छिड़काव करें। वहीं टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञ की सलाह से कीटनाशक का इस्तेमाल करें। झारखंड में बीन और भिंडी में भी कृषि विशेषज्ञ की सलाह से ही कीटनाशक का छिड़काव करें। खेती किसानी की जानकारियों के बाद अब बात करते हैं आज की फसल की। अभी का समय लोबिया के लिए बेहतर है। मैदानी हिस्सों में कई जगह अभी इसकी बुवाई की तैयारी चल रही है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में की जाती है। आइए जानते हैं कैसे करें लोबिया की खेती। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं,
उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। एक हेक्टेयर में कितना बीज डालना है ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दें। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दें। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर लें। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करें। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल लें। लोबिया में माहूर और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाली इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। और भाई, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। पश्चिम बंगाल में सोयाबीन की बुवाई कर लें किसान। सोयाबीन के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। पश्चिम बंगाल में धान की रोपाई कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में अदरक के खेत में निराई करते रहें। अदरक के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करें। जूट के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में जूट की कटाई कर लें। जूट के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। पश्चिम बंगाल में मूंग की खेती के लिए खेत तैयार करें। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरों पर। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोलो ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। ओडिशा में धान की नर्सरी तैयार कर लें किसान। धान के खेत से खरपतवार निकालने का काम करें। ओडिशा में भिंडी की तुड़ाई कर लें। ओडिशा में खीरे के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। करेले के खेत में भी जरूरी उर्वरक का प्रयोग करें। ओडिशा में मूंगफली की बुवाई कर लें। मूंगफली के खेत से घास फूस निकालने का काम करें। ओडिशा में तिल की बुवाई करते रहें। मक्के की बुआई के लिए समय उचित है। बुलेटिन में आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में दो दिन गिने चुने इलाकों में होगी भारी बरसात। दो दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में इक्का दुक्का जगह हो सकती है मूसलाधार बारिश। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में दो दिन कहीं कहीं हो सकती है जोरदार वर्षा। दो दिन बिहार में छिटपुट स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान। गुजरात में कल गिने चुने इलाकों में तेज बरसात के हैं आसार। तटीय उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में दो दिन छिटपुट हिस्सों में होगी मूसलाधार वर्षा।
दो दिन अंडमान निकोबार में इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। कल गुजरात महाराष्ट्र तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में शनिवार को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। मछुआरों को इन इलाकों में ना जाने की दी जाती है सलाह। और अब आइए एक नजर डालते हैं अगले चार दिनों के नौ शहरों के तापमान पर। और अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए तैयार की गई उमंग ऐप की। आइए देखते हैं इस पर खास रिपोर्ट। इस ऐप के जरिए भारत के नागरिकों को स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, मकान, कृषि, यातायात और यहां तक कि रोजगार से जुड़ी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसका लाभ कहीं भी किसी भी समय मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप से ले सकते हैं। साथ ही संबंधित विभागों और लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत भी नहीं। उमंग ऐप में ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी है। और इस कार्यक्रम को आप दीदी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और जानिए मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सभी आप अपना रखिए ख्याल। नमस्कार। इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। मीठे जल में करना हो मछली पालन या लेना हो नवीन कृषि प्रौद्योगिकियों का ज्ञान, अब घर बैठे मिलेगी हर जानकारी। सिर्फ मत्स्य सेतु ऐप पर देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश मत्स्य सेतु ऐप, शुक्रवार रात 10 बजे दूरदर्शन किसान पर। हिम्मत, मेहनत, लगन से अपने सपनों को पूरा करती महिला स्वावलंबन और सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश करती, स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनती, संघर्ष से पहुंचती मंजिल तक बेमिसाल बेटियां, आंगन से बुलंदियों तक। हर बुधवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ DD किसान पर। औषधीय पौधों की खेती से कैसे हो रही है किसान की आय दुगनी? क्या है भारत सरकार की योजना? कैसे बने जागरूक और समृद्ध किसान? औषधीय पौधों की आसान खेती से बाजार की जानकारी तक, कृषि विशेषज्ञ की सलाह, सफल किसान की जुबानी। देखिए कार्यक्रम किसान कृषि औषधीय पौधे हर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ DD किसान चैनल पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। स्वाद के सफर में स्वागत है आपका योग की नगरी ऋषिकेश। शहर की बात, स्वाद के साथ संस्कृति का मिलन, परंपरा के साथ देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ DD किसान पर। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं
ठटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, जो महाराष्ट्र के डिंडोरी से लोकसभा सांसद है। मैं आती हूँ तो मेरी एक ट्राइबल कंस्टिट्यूएंसी है डिंडोरी, और वहाँ के चैलेंजेस बहुत सारे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने जिला परिषद में काम करते हुए खुद देखा है कि कितने प्रॉब्लम्स है महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में, है माल न्यूट्रिशन है, पानी पीने का सुरक्षित पानी मिलना हो, तो ये सारी बातें हेल्थ कमेटी में हो या फिर स्टैंडिंग कमेटी में मैंने काम किया जो 7 साल, तो मुझे लगा कि और भी काम बढ़ाना चाहिए। देखे हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानी, सिर्फ डीडी किसान पर। कुछ नया सोचने की हिम्मत, कुछ कर गुजरने का जुनून, आइए मिलिए हिंदुस्तान के नवाचारियों से। देखिए कच्चे रास्ते पक्के इरादे 14 जनवरी से हर गुरुवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। गांव का नाम है बांधकर। पुरुलिया शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित पुरुलिया 2 नंबर ब्लॉक का ये गांव काफी बड़ा है। आदिवासी और अल्पसंख्यक जाति के लोग यहाँ एकजुट होकर खुशी से रहते हैं। गांव की सीमा को पार कर दूर विस्तृत है मैदान, बीच बीच में फसलों के खेत दिखते हैं। गांव के अंदर एक मकान हमारे नजर में जरूर आएगी, सफेद साफ दीवार पर कुशल हाथों से बना अल्पना, लक्ष्मी कर्मकार का मकान है ये। बांधकर गांव के सभी लोग उसे मानते और चाहते हैं। खेती बाड़ी में पिछड़ा हुआ जिला पुरुलिया में आधुनिक कृषि पद्धति के प्रयोग से लक्ष्मी कर्मकार एक आदर्श महिला कृषक बन चुकी है। पुरुलिया के बलरामपुर थाने के नंदुदी गांव की लड़की लक्ष्मी की शादी 1998 में बांधकर के पशुपति कर्मकार के साथ हुई थी। शादी के बाद वो नर्सिंग प्रशिक्षण लेकर एक नर्सिंग होम में काम भी करती थी, लेकिन एक समय के बाद नौकरी छोड़ वो अपने पति के साथ खेतीबाड़ी के काम में लग गई। 13 बीघा जमीन में अपने खुद के हाथों के मेहनत से उन्होंने धान, दाल, तेलबीज और सब्जियों की खेती शुरू की। स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेकर उन्होंने मशरूम की खेती का भी शुरुआत किया। इसके बाद धीरे धीरे वो बकरी पालन, जैव खाद प्रस्तुत करना और बतख पालन के प्रशिक्षण में भी भाग लिया। धान उत्पादन, पशुपालन, उद्यान विभाग एवं अन्य तेल बीज और डाल शस्य में इनका जो बीज उत्पादन में काफ़ी अच्छा काम रहा, एवं ये निरंतर जो इनका महिला ग्रुप है 20-25 लोग का ये महिला का ग्रुप लेके जो काम करती हैं, इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रगति दिखाया है। साथ में सबको एक साथ ये चल के काम करती है, इसीलिए इनका हमने नाम सुझाव किया। लक्ष्मी के दैनिक आय का एक बड़ा अंश अंडे बेचकर ही हो जाता है। अपने हाथों से खेती करने के कारण काफी अनुभव भी हुआ है उनको। इसी के साथ सरकारी प्रशिक्षणों ने भी आगे बढ़ने में उनकी सहायता की है।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।